हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो से आपको पता है कि हम मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, या मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि हमें उन क्वांटिटीज़ को मेज़र करना पड़ता है कि उन क्वांटिटीज़ में कितना चेंज आया है या नहीं आया है, तभी आप मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मोशन के डिस्क्रिप्शन में हमने सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था, जो हमारी लास्ट वीडियो थी। अब हम पढ़ेंगे स्पीड को और वेलोसिटी को, जो मोशन को डिस्क्राइब करने के काम आते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्पीड क्या है। तो स्पीड होते हुए, तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यानी बॉडी एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करती है, कोई भी बॉडी है अगर वो चल रही है बच्चों, तो एक यूनिट टाइम में वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी वही उसकी स्पीड हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात यूनिट टाइम की करें, तो यूनिट टाइम को आप एक सेकंड लेके चल सकते हो, क्योंकि SI सिस्टम में हमारा जो यूनिट टाइम होगा, SI सिस्टम में जब हमारा यूनिट टाइम होगा वो 1 सेकंड के इक्वल होगा। SI सिस्टम में यूनिट टाइम 1 सेकंड के इक्वल होगा। अब ये SI सिस्टम क्या होता है बच्चों, इससे पहले जैसे हमने डिस्टेंस की यूनिट पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट पढ़ी है, इवन स्पीड की यूनिट हम पढ़ेंगे, मीटर पर सेकंड होती है। तो हर केस में आपको लिखा मिलेगा कि SI यूनिट, हमें लिखा मिलेगा SI यूनिट, यानी ये आपकी SI यूनिट है। तो SI यूनिट का मतलब होता है बच्चों सिस्टम इंटरनेशनल। SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल का क्या मतलब है बच्चों, कि क्योंकि जो लेंथ है, जैसे हम टाइम की बात करें तो टाइम को आप आवर्स में भी मेजर कर सकते हैं, टाइम को आप मिनट में भी मेजर करते हैं, टाइम को आप सेकंड में भी मेजर करते हैं। तो इस तरह से टाइम को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं। इसी तरह से अगर हम बात लेंथ की करें, तो लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, मिलीमीटर में भी मेजर करते हैं, माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी यूनिट्स हैं हमारी जिनमें हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक कॉमन सिस्टम सिलेक्ट किया गया है कि लेंथ को आप इसी यूनिट में या इसी स्टैंडर्ड में मेजर करेंगे, इसीलिए उस सिस्टम को हम सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं। और जितनी भी हमारी यूनिट्स होती हैं, क्वांटिटीज़ होती हैं, वो SI सिस्टम के अकॉर्डिंग ही उनकी यूनिट रखी जाती है या उसको कंसीडर किया जाता है। तो जैसे लेंथ की हम बात करें, तो लेंथ को हम फुट में भी मेजर, इवन हम फुट में भी मेजर करते हैं बच्चों, लेंथ आपकी फुट में भी मेजर होती है। तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अलग अलग सिस्टम हैं जिनमें वो क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड हैं जिनमें वो क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कॉमन जो सिस्टम सेलेक्ट किया गया है, जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल बोल रहे हैं, उस सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग आपकी जो यूनिट है वो सेकंड ही होगी, टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड होगी। तो टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे। यूनिट टाइम का मतलब होता है बच्चों 1 सेकंड। यानी अगर आप चल रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मान लिया 1 सेकंड में आप 5 मीटर चले हैं, तो इसका मतलब आपकी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो 1 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस ही आपकी स्पीड होती है। स्पीड इज़ अ क्वांटिटी विच मेजर दी फास्टनेस। जो स्पीड होती है वो फास्टनेस को मेजर करती है। फास्टनेस को मतलब उसकी गति को मेजर करती है, बॉडी कितनी तेज चल रही है या कितनी स्लो चल रही है। क्योंकि मान लिया आपको दो स्पीड के बारे में बता दिया जाए, फॉर एग्जांपल कि एक मोटर बाइक है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, दूसरी जो है वो 50 मीटर पर सेकंड की से चल रही है। तो ऑब्वियसली आप बता दोगे जो 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है वो ज़्यादा वो फास्ट है। तो इसका मतलब जो स्पीड है वो क्वांटिटी जो है वो हमें फास्टनेस के बारे में बताती है कि बॉडी कितना तेज चल रही है। इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स अ बॉडी कवर्ड हाउ मच डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। स्पीड को आप इस तरह से भी यू कैन से डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पे ये जो बार बार रेट ऑफ चेंज ऑफ आएगा, तो ये काफ़ी सारी डेफिनेशंस में आपको देखने को मिलेगा। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ डिस्टेंस में कितना चेंज आया है। क्योंकि रेट किसका चेंज हो रहा है बच्चों, ये डिस्टेंस का रेट चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि
डिस्टेंस किस हिसाब से चेंज हो रहा है वही आपकी स्पीड हो जाती है। तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चेंज हुआ, बार बार अगर आपका वही डिस्टेंस चेंज हो रहा है पर सेकंड, तो इसका मतलब आपकी स्पीड वही है। मान लिया एक सेकंड में आप 5 मीटर चलते हो, 2 सेकंड में आप 10 मीटर चले जाते हो, 3 सेकंड में आप 15 मीटर चले जाते हो। तो हर सेकंड में अगर देखें तो आपने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो इसका मतलब हर सेकंड में आप 5 मीटर चल रहे हो, तो आपकी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इस तरह से हम स्पीड को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैथमेटिकली आपको स्पीड को कैलकुलेट करने को बोला जाए तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। जो स्पीड है बच्चों वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, यानी जो डिस्टेंस आपने कवर किया है जितने टाइम में कवर किया है, सपोज ऐसा आपका डिस्टेंस है टी टाइम में आपने इसको कवर किया है फ्रॉम ए टू बी, तो जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगी। इट इज़ डिनोटेड बाई वी, जो स्पीड है बच्चों उसको हम वी से डिनोट करते हैं। एंड यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि जो फॉर्मूला है स्पीड का वी इज इक्वल टू एस बाई टी, तो यहाँ से हम यूनिट बनाते हैं बच्चों इसकी। जो डिस्टेंस है उसको मीटर में मेजर करते हैं, जो टाइम है उसको सेकेंड में मेजर करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से जो स्पीड है उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। आइए हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्पीड के बारे में। बेसिकली स्पीड कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स। जो स्पीड है उसके 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, या 4 तरह की स्पीड होती है। तो सबसे पहले जो स्पीड है बच्चों वो है यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अगर ऑब्जेक्ट आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म होगी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है बच्चों, इस तरह से हम इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इस लाइन के अक्रॉस चेक करें, ये मैंने एक लाइन ली है और यहाँ पे हमने कुछ मार्क किया है, इस तरह से ये मार्क्स हमने लगाए हैं, तो यहाँ पे ये आपके इंटरवल हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे 0 सेकंड है, फिर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो इस तरह से मैंने 5 सेकंड तक के ये आपके इंटरवल लिए हैं। तो हर इंटरवल में सेम ही गैप होगा, क्योंकि हर सेकंड में आपका सेम गैप चल रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने ये टाइम की एक्सिस ले ली, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड जो है बॉडी का उसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं। 0 सेकंड है तो 0 मीटर, जब सेकंड 1 हुई तो 5 मीटर, यानी आफ्टर 1 सेकंड इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। 2 सेकंड के बाद ये 10 मीटर, 3 सेकंड के बाद 15 मीटर, 4 सेकंड के बाद 20 मीटर, और 5 सेकंड के बाद 25 मीटर। तो इस तरह से बच्चों इसने ये डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पे। तो अगर हम इसकी स्पीड की बात करेंगे यहाँ पे, तो 1 सेकंड के बाद जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। तो 1 सेकंड पे इस पॉइंट पे जो इसने डिस्टेंस कवर किया है बच्चों वो 5 मीटर है, और जो टाइम लिया है यहाँ से यहाँ तक वो 1 सेकंड है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 5/1, तो स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट इंटरवल की अगर बात करें तो यहाँ पे बच्चों डिस्टेंस है, इनिशियल है 5 मीटर, फाइनल है 10 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वो 10-5 5 मीटर हो जाएगा, और 2-1 जो टाइम है वो 1 सेकंड हो जाएगा। तो 5/1 फिर से जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो इस तरह से अगर हम हर इंटरवल की स्पीड की बात करें तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करना पड़ेगा, और इसी तरह से टाइम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हर इंटरवल पे जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड निकल के आ रही है। तो इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर किया गया है, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, हर एक इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर ही आएगा। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर किया गया है तो बच्चों जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। इस तरह से आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्योंकि बच्चों जो टाइम गैप हैं, टाइम इंटरवल हैं हमारे पास, वो तो ऑब्वियसली सेम ही रहेंगे, क्योंकि टाइम को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। टाइम में हमेशा जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो सेम ही रहेगा। बट यहाँ पे डिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हो, ये आपके मोशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 0 सेकंड से हमने मार्क करना स्टार्ट किया, 0 सेकंड, फिर 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हमने 5 सेकंड तक का ये इंटरवल लिया है यहाँ पे, और हर सेकंड के बाद हम अपना डिस्टेंस नोट डाउन कर रहे हैं। तो 0 पे 0 मीटर, फिर आफ्टर 1 सेकंड,
तो बच्चों यहाँ पे जो डिस्टेंस हमने लिया है वो 0 सेकंड पे जैसे 0 मीटर है, फिर आफ्टर 1 सेकंड 5 मीटर है, फिर आफ्टर 2 सेकंड 15 मीटर है, फिर 35 मीटर है, 65 मीटर है, 110 मीटर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो टाइम इंटरवल हैं वो तो हमारे इक्वल ही रहेंगे, टाइम इंटरवल हमारे इक्वल रहेंगे, बट हर एक टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस यहाँ पर कवर किया गया है वो अनइक्वल है। जैसे अगर हम फर्स्ट इंटरवल की बात करें इस इंटरवल की, तो यहाँ पे 5-0 5 मीटर होगा, यहाँ पे 15-5 10 मीटर होगा, यहाँ पे 35-15 20 होगा। तो इस तरह से अलग अलग इंटरवल में अलग अलग आपका डिस्टेंस निकल के आ रहा है, तो इसी वजह से जो हमारी स्पीड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। ऊपर हमने यहाँ पे स्पीड भी निकाल रखी है, स्पीड निकालने का तरीका वही है बच्चों कि जो भी आपका इंटरवल है, सपोज ये हमारा फर्स्ट इंटरवल है, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो टाइम है 1 सेकंड, यहाँ पे डिस्टेंस है 5, तो स्पीड जो होगी वो 5 मीटर पर सेकंड निकल के आएगी। इसी तरह से इस लास्ट में मैं निकाल लेता हूँ 110-65, तो यहाँ पे और नीचे जो है टाइम वो डिवाइड आपका हो जाएगा, तो 110-65 ये 45 होगा, तो यहाँ पे स्पीड जो होगी वो 45 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग इंटरवल में अलग अलग स्पीड आपकी निकल के आ रही है, तो इस वजह से जो हमारी स्पीड होगी वहाँ पे वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो फर्स्ट स्पीड थी हमारी यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड है हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद बात आती है बच्चों एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड द एवरेज स्पीड इज दैट कॉन्स्टेंट स्पीड विद विच द ऑब्जेक्ट कवर द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम एज इट डज व्हाइल मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इन द गिवन टाइम। यानी बच्चों जैसा कि हम अगर हमें कहीं से ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, ये हमारी फाइनल है, तो ऑब्वियसली जैसे आपको भी अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो हो सकता है हमारी स्पीड जो हो वो कॉन्स्टेंट भी रहे, हो सकता है हमारी स्पीड कॉन्स्टेंट ना रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कभी एक अपने गांव से शहर में जाते हो या अपने घर से कहीं दूर जाते हो, किसी दूसरे के पास जाते हो, किसी से मिलने जाते हो, तो जब आप बाइक चला रहे होते हो तो उस टाइम पे ड्यूरिंग द वे आपकी जो स्पीड है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि जहाँ पे रोड आपका जहाँ पे ओपन एरिया होता है, जहाँ पे रोड खाली होता है, वहाँ पे आप हो सकता है आप अपनी जो स्पीड है वो तेज़ भी कर लो, ब्रेकर आ जाए रास्ते में तो हमें स्लो भी होना पड़ता है। तो इस तरह से जो स्पीड है ड्यूरिंग द वे वो हमारी वेरी करती रहती है, बट एट लास्ट फिर भी अगर हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑन एन एवरेज निकालना पड़े कि एट लास्ट आप ऑन एन एवरेज कितनी स्पीड के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे गए हो, तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली हमें जो टोटल डिस्टेंस होता है हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है उसको आपको टोटल टाइम से डिवाइड करना होता है, तो हमारी जो है वो एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। तो हम ऑन एन एवरेज ये बोल सकते हैं किसी को भी कि हम इतनी स्पीड के साथ यहाँ पे आपके पास आए हैं, या दूसरा जिसके पास आप गए हो वो अंदाज़ा लगा लेता है आदमी कि ऑन एन एवरेज इतनी स्पीड के साथ आप चल के आए होंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द वे कभी भी हमारी स्पीड बच्चों जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस से टोटल टाइम को डिवाइड करना होता है और हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस x1 x2 x3 अप टू xn एंड द गिवन टाइम इंटरवल t2 t1 t2 t3 अप टू tn। यानी जो हमारे टाइम इंटरवल हैं, जो हमने टाइम इंटरवल लिए थे इस तरह से, ये हमारे टाइम इंटरवल हैं और यहाँ पे सपोज ये हमारा t1 है, यहाँ पे टाइम इंटरवल ये टाइम t2 है, यहाँ पे t3 है, यहाँ पे t4 है, और आपका जो डिस्टेंस है यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, अप टू xn तक है। तो ये आपके अलग अलग टाइम, ये आपके टाइम इंटरवल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया और आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। उसके बाद आती है बच्चों फोर्थ नंबर पे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो आपकी स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज यू आर राइडिंग अ मोटर बाइक व्हाइल ड्राइविंग, इट्स स्पीड मे बी इंक्रीज और डिक्रीज इन बिटवीन द पाथ विद द पासेज ऑफ टाइम, सो द स्पीड ऑफ द बाइक एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड।
यानी आप अगर बाइक चला रहे हैं तो आपकी स्पीड इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है ड्यूरिंग दी वे। बट अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ जा रहे हैं और आप पीछे बैठे हैं या आप बाइक चला रहे हैं, तो एकदम से जैसे ही आपने स्पीडोमीटर जो आपका होता है बाइक में उसको देखा, तो जो स्पीड आपको वहाँ पे मिलेगी, फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्पीड 60 मीटर पर सेकंड है, तो वहीं आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बोली जाती है। बच्चों बाइक में जो आपका मीटर होता है, जो आपका डैशबोर्ड है बाइक में या गाड़ी में जो आपका मीटर होता है, तो उस मीटर में एक निडल है जो आपको स्पीड के बारे में बताते हैं। यहाँ पे लिखा होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से, और बीच में किलोमीटर पर आर होता है यहाँ पे। तो जो डेली रूटीन है उसमें हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में ना लेके किलोमीटर पर आर में लेते हैं। बच्चों जो बाइक है उसमें किलोमीटर पर आर होता है, यानी एक घंटे में आप कितने किलोमीटर चले हो या कितना किलोमीटर कवर करोगे, वही आपकी स्पीड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी निडल 60 पे है, तो इसका मतलब आपकी जो बाइक की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आर है। इसका मतलब ये है कि आप एक घंटे में अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो एक घंटे में आप 60 किलोमीटर कवर कर लोगे। तो बच्चों बाइक में हमारे दो मीटर होते हैं, एक तो जो आपका स्पीडोमीटर आपको दिखाई देता है उसमें जो निडल आपकी ट्रेस करती है कि आपकी स्पीड कितनी है, एक तो वो, दूसरा इसके अंदर एक मीटर और होता है जिसमें नंबरिंग होती है, और वो नंबरिंग लगातार आपकी बाइक की जैसे जैसे बाइक चलती है वो बढ़ती रहती है, तो इसको हम ओडोमीटर बोलते हैं। तो ये हमारा ओडोमीटर होता है, ODOMETER ओडोमीटर, और जो निडल वाला होता है ये हमारा स्पीडोमीटर होता है। तो स्पीडोमीटर जो है बच्चों वो स्पीड को बताता है, और ओडोमीटर जो है वो हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है कि डिस्टेंस हमने कितना कवर किया है। फॉर एग्जांपल जब आप अपने घर से कहीं पे जा रहे हो, तो ओडोमीटर में मान लिया जो रीडिंग है वो 450 है, और आप जब किसी दूसरे स्थान पे दूसरी जगह पे पहुंच जाते हो तो वहाँ पे जो आपकी रीडिंग है वो 550 हो जाती है। तो इसका मतलब आपने टोटल एक जगह से दूसरी जगह पे आने के लिए 100 किलोमीटर कवर किया है, क्योंकि 550 आपका फाइनल डिस्टेंस है, 450 आपका इनिशियल डिस्टेंस था, तो फाइनल में से आप इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा कि वहाँ तक आने के लिए आपने कितने किलोमीटर कवर किए हैं या कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है। तो यहाँ पे इसको हम ओडोमीटर बोलते हैं, और जो ये होता है निडल वाला इसको हम स्पीडोमीटर बोलते हैं। तो ये तो बात थी बच्चों स्पीड के बारे में, अब देख लेते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड और वेलोसिटी में यही फ़र्क है कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे वेलोसिटी के केस में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। यानी स्पीड में बच्चों डिस्टेंस आता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड यानी एक सेकंड में या एक यूनिट टाइम में, जो आपका डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड होता है वही हमारी वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी इज ए क्वांटिटी विच मेजर द फास्टनेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो बच्चों वेलोसिटी और स्पीड में यही फ़र्क है कि स्पीड भी हमें फास्टनेस के बारे में बताती है, वेलोसिटी भी हमें फास्टनेस के बारे में बताती है, बट वेलोसिटी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड है उसके बारे में हमें बता रही है। तो यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ वी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसी तरह से आएगा, अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें बच्चों, तो ये मीटर पर सेकेंड होगी, और वेलोसिटी एक वैक्टर क्वान्टिटी होती है। आइए अब इसके टाइप देख लेते हैं। तो वेलोसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट, जिस तरह से स्पीड होती है सेम उसी तरह से वेलोसिटी आपकी होगी। फर्स्ट वन है हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इफ़ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिस तरह से हमने स्पीड के केस में डिस्टेंसेस को लिया था, डिस्टेंसेस का एग्जांपल लिया था, उसी तरह से आप यहाँ पे ये वही सेम एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। तो उसको डिस्टेंस के बजाय हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो आपकी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अगर इफ़ ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है बच्चों, तो ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। हेयर द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ वेलोसिटी कैन चेंज, यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में दो तरह से चेंज आ सकता है बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी में दो चीज़ें होती है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज वेलोसिटी वी इज इक्वल टू 2 meter per second इन ईस्ट, जैसे हमने यहाँ पे विद डायरेक्शन इस वेलोसिटी को लिख लिया, तो यहाँ पे एक तो मैग्नीट्यूड है और एक इसकी डायरेक्शन है।
अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आता है तो वेलोसिटी तभी भी चेंज हो जाएगी, अगर डायरेक्शन में चेंज आएगा तो तभी भी चेंज होगी, और अगर दोनों में चेंज आता है तो तभी भी हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है बच्चों, और मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ सकता है, और दोनों में भी चेंज आ सकता है, यानी किसी भी तरह से अगर चेंज आए वेलोसिटी में तो वेलोसिटी आपकी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। बट अगर ना तो डायरेक्शन में चेंज आए ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज आए, आपको सेम वेलोसिटी मिलती रहे, तो उस टाइम पे वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होगी। उसके बाद बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी के यहाँ पे दो तरीके हैं बच्चों। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड, यानी अगर आप यहाँ पे जिस तरह से हमने एवरेज स्पीड की बात की थी उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी की यहाँ पे बात हम करेंगे कि जो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा उसको टोटल टाइम से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है, इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, यानी अगर आपकी वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म रेट का मतलब ये है बच्चों कि अगर वेलोसिटी में जो चेंज है वो एक समान है, हर बार एक समान वेलोसिटी अगर आपकी चेंज हो रही है, एक सेम रेट से अगर वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, तो उस टाइम पे अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहें तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, अगर u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और v अगर हमारी फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है बच्चों उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, जो फाइनल होती है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। इन जनरल वेलोसिटी को हम v से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट जब बात इनिशियल और फाइनल की होगी तो यहाँ पे u से हम इनिशियल को रिप्रेजेंट करेंगे और v से हम फाइनल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर वेलोसिटी में जो चेंज है बच्चों वो सेम रेट से है, यानी एक जैसा चेंज आ रहा है लगातार वेलोसिटी में, या एक समान रेट से अगर वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है, यानी पहले वेलोसिटी जैसे 10 मीटर पर सेकंड है, फिर उसके बाद ये 20 मीटर पर सेकंड होगी, फिर 30 मीटर पर सेकंड होगी, फिर 40 मीटर पर सेकंड होगी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो चेंज है वो समान है, हर बार 10 का इंक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से अगर वेलोसिटी में आपका चेंज आ रहा है तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। और उस केस में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट के बजाय वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं एक्सरसाइज में, तो वहाँ पे हम जस्ट ये एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है दोनों का, यानी इसका अर्थमेटिक मीन ले लेंगे हम, दोनों को ऐड करके दो से डिवाइड कर देंगे, यानी यू प्लस वी बाई टू कर देंगे। तो इस तरह से भी आप यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जिस तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है उसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, यानी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट जब आप अपने मीटर में देखते हो कि किस स्पीड से गाड़ी चल रही है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो उसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देते हैं। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो में हमने जो स्पीड है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, जो हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर यानी जो क्वांटिटी थी, एक तो स्पीड है दूसरी वेलोसिटी है, तो इसमें हमने स्पीड को डिस्कस किया कि स्पीड क्या होती है, उसके बाद वेलोसिटी को डिस्कस किया कि वेलोसिटी क्या होती है, और इनके टाइप को डिस्कस किया। थैंक यू।